हेलो जी शर्मा जी। हाँ, अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरे आपको बता नहीं सकता सर आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी सर। जी सर, अब सर मैं अपनी बहन की बहुत धूमधाम से शादी कर सकूँगी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कह दीजिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर, मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर। जी बताइए सर, आपका ATM जो है एक्सपायर हो रहा है, तो सर हमें आपके लिए कुछ जानकारी चाहिए थी आपसे। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, आपका जो है ATM जो है अभी रिन्यू कराने के लिए कुछ आपको जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, वरना सर आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। अच्छा, उसको आपको ATM यूज़ करने के लिए बहुत सर दिक्कत आएंगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जो है ATM रिन्यू करा दें। ठीक है सर, ठीक है बताइए। सर वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, आपको बैंक नहीं आना पड़ेगा, उसके लिए सर हम आपको कुछ हमको जानकारी देनी पड़ेगी, वो आप हम आपका यहीं से करा देंगे। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जो ATM है उसका 15 अंकों का जो हमें कोड है वो बताइए सर। 15 अंकों का सर, एक्चुअली अभी तो मुझे वैसे याद नहीं है, एक मिनट होल्ड करेंगे आप सर। जी सर, जी सर, जी सर। हाँ सर। हाँ सर, तो सर आप मुझे अपने जो ATM पर 15 नंबरों का जो होगा, एक नंबर होगा 15 अंकों का, वो प्लीज़ सर हमें बताइए कि क्या नंबर है आपका। ओके ओके सर। हाँ सर लिखिए सर। बोलिए सर। 1 2 3। जी सर, ठीक है सर। हाँ ओके 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 ओके, ठीक है सर। सर आप अपने ATM को पलट कर देखिए। आपके जो ATM है उसके पीछे देखिए सर, एक CCV नंबर भी होगा सर। हाँ एक मिनट, होल्ड कीजिए सर। हाँ सर, हाँ लिखा है, बताइए। सर तो CC नंबर बताइए सर, क्या क्या CC नंबर है आपका? सर CC नंबर है उसका 4827। ओके सर, थैंक यू सर। सर देखिए, आपका जो अभी जो है वो इसमें जो मैं सिस्टम पर देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से सर, आपका जो है अभी बस आप इसका ATM का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और अच्छा। उसके लिए सर आपको अपने पिन नंबर होगा सर, आपका जो यूज़ करते हैं आप ATM में वो बताएं। अरे सर ATM का जो है पिन कोड सर, वो तो सर बताते हैं लोग कि लीकेज नहीं किया जाता सर। नहीं सर देखिए, वो तो सर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि सर देखिए उसके बिना हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए सर, ऐसा है कि उसके लिए हम आपका जो ATM है वो हम रिन्यू नहीं कर सकते, और वो सर हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं आप, वो तो दूसरे लोगों के लिए होता है जो आम जनरली लोग होते हैं। अरे तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? देखिए एक्चुअली मेरी 2 दिन बाद मेरी बहन की शादी है, और मैंने अभी कल ही मेरा जो है लोन सेंक्शन हुआ है, तो पैसा भी जो मेरा इसी अकाउंट में आया सर। सर मैं ये चाह रहा था कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सर फिर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे इसी ATM से ही निकालने पड़ेंगे सर पैसे। अरे सर हम आपकी बैंक से ही बोल रहे हैं, और आप निश्चिंत रहें कि आपसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर। अच्छा सर जी, ठीक है सर, नोट कर लीजिए सर। हाँ जी सर बताइए। लिखिए सर 2750। ओके सर, ठीक है। लेकिन सर आप प्लीज़ मेरा ये काम ज़रा जल्दी करा दीजिए, क्योंकि सर मैं नहीं चाहता कि कोई प्रॉब्लम। हेलो
हाँ सर, ये अभी मेरे पास एक मैसेज आया सर, जिसमें मेरे 10 लाख रुपये डेबिट दिखा रहे हैं मेरे अकाउंट से। हेलो, अरे सर ये क्या हुआ सर, ये ऐसे कैसे हो गया सर? सर सर देखिए सर, बात सुनिए सर, प्लीज़ प्लीज़ सर, सर देखिए ऐसा बताइए सर, सर देखिए मेरी बहन की शादी है तो सर प्लीज़ सर आप उस पर रहम दीजिए सर। देखिए बड़ी मुश्किल से सर लोन से अपने टेंशन करवाए सर बैंक से सर, आप लोग प्लीज़ सर ऐसा मत करिए सर। देखिए मेरी बहन की शादी है सर, पूरी बारात आ रही है सर, मैं कैसे अरेंजमेंट करूँगा सर? प्रॉब्लम हो जाएगा सर, आप प्लीज सर मेरी बात सुनिए। हेलो 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 जी सर, सर मैं ये जानना चाह रहा था, अगर कोई व्यक्ति हमसे रिक्वेस्ट करता है और हमें पैसे वापस करने हो तो सर हम कैसे वापस कर सकते हैं? जी सर, नहीं कर सकते।